ज्योतिष ये मानता है कि कभी भी कोई ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता, बल्कि ग्रहों से मिलने वाले फल जो हैं वो शुभ या फिर अशुभ होते हैं। ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती स्थिति की वजह से सभी राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। अगर किसी राशि में ग्रहों की स्थिति ठीक है तो इससे उसे शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी, लेकिन वहीं अगर ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो इसकी वजह से उसे अशुभ प्रभाव भी प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में लगातार बदलाव होने की वजह से ब्रह्मांड में कई तरह के शुभ योग का निर्माण भी होता है, जिसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। अब आपको ज्योतिष गणना के अनुसार ये बता दें कि सालों के बाद एक ही साथ कई तरह के संयोग बन रहे हैं। जी हाँ, प्रीति योग के साथ आयुष्मान योग बन रहा है और इसके बाद सौभाग्य योग भी बनेगा। ये शुभ संयोग जो है वो सालों के बाद आया है और अब ये संयोग किन राशियों को प्रभावित कर रहा है ये आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे। जी हाँ, सालों के बाद बन रहे एक ही साथ कई संयोग की वजह से अब कुछ राशियों की किस्मत जो है वो पूर्ण तरह से चमक सके। आपको बताते हैं आखिरकार कौन सी है वो राशियाँ। दरअसल हम आपसे जिन राशियों के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें अब इस संयोग का बहुत ही शुभ नतीजा मिलने वाला है। इनको अब बच्चों की तरफ से ढेर सारी खुशियों की प्राप्ति हो सकती है। वहीं अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आपके जीवन में आपको लाभ मिल सकता है। लव लाइफ में जितनी भी गलत फहमियाँ चल रही हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। चलिए फिर आपको बता देते हैं आखिरकार कौन सी हैं वो राशियाँ। तो वो राशियाँ हैं वृषभ, मिथुन और कर्क। इसी तरह रोजाना अपनी राशियों के बारे में जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।